खबर अलवर से है, जहां एक मूक बधिर बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि आरोपी ने मानसिक रूप से विक्षिप्त नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म कर उसे तिजारा पुलिया पर पटक कर फरार हो गया। जैसे ही पुलिस को इसकी सूचना मिली तो पुलिस अधीक्षक सहित तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटना का जायजा लिया। फिलहाल नाबालिग लड़की को अलवर के सरकारी अस्पताल के आईसीयू में भर्ती करवाया गया है। पुलिस अधीक्षक तेजस्वनी गौतम ने बताया कि बच्ची की हालत गंभीर है और डॉक्टरों से पूछताछ में पता चला है कि बच्ची मानसिक रूप से विक्षिप्त है और कुछ बोलने में असमर्थ है। उन्होंने बताया कि बच्ची के प्राइवेट पार्ट से काफी मात्रा में ब्लीडिंग हुई है। पुलिस अधीक्षक ने FSL टीम और डॉग स्क्वाड टीम को मौके पर बुलाया और जांच पड़ताल में जुट गई है। खबर 12 से है, जहां नाबालिग लड़की का गला दबाने का प्रयास करने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि शिवाजी कॉलोनी में एक पड़ोसी ने 8 वर्षीय नाबालिग लड़की का गला दबाने का प्रयास किया, जिसके बाद उसे पास के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। फिलहाल नाबालिग खतरे से बाहर बताई जा रही है। तो वहीं 12 के लाशचंद SI कोतावली थाना 12 ने बताया कि लड़की का बयान लेकर वे आगे की कार्रवाई शुरू करेंगे। रोहित ने? कौन है रोहित? आपकी तरफ रहता होगा? क्या किया आपके साथ? गला वाला दबाया आपका? बच्ची ने बयान किया है कि कुसुम सुमन सनोप डॉटर ऑफ ओम प्रकाश जाति माली उम्री 8 वर्ष निवासी गढ़वाला मोहल्ला 12 हाल भर्ती जेल इलाज एमरजेंसी वार्ड बेड नंबर 4 राजकीय चिकित्सालय 12 थाना कोतवाली ने दयाद पर बयान किया है कि मैं गढ़वाला मोहल्ला 12 के रहने वाले हूँ। आज दिनांक 11/1/2022 को शाम 4 बजे करीब की बात है, हमारे घर के पास बाड़ी है जो मैं वो मेरी बहन यीशु, मेरी बहन छोटी यीशु उम्री 6 वर्ष दोनों ही बाड़ी में खेलने गई थी। जो हम खेल रही थी, थोड़ी देर बाद रोहित सुमन सुनो महेंद्र जाति माली निवासी गढ़वाल मोहल्ला 12 आ गया, जिसने शराब पी रखी थी, जिसने बिना कुछ बोले ही मुझे रोककर आड़े फिर कर पकड़ कर मेरा गला दबा दिया और मेरे को गुलाब के पौधों में धकेल दिया, जिससे पौधों में गिरने से मेरे दोनों पैरों में खरोचनुमा चोटें आई हैं। फिर रोहित सुमन मुझे उठाकर हमारे घर ले आया, जहाँ पर मेरे पिताजी ओम प्रकाश व रोहित दोनों इलाज हेतु सरकारी अस्पताल 12 लेकर आए। खबर नावा से है, जहां नगर पालिका नावा के सभागार में आम नागरिकों के लिए नगर पालिका नावा द्वारा तैयार 400 पट्टों का वर्चुअली उद्घाटन किया गया। आयोजित कार्यक्रम में मौके पर 50 पट्टों का विवरण किया व नगर पालिका नावा द्वारा 2,50,00,000 रुपए की सड़क एवं नाली निर्माण कार्य का भी वर्चुअल शिलान्यास किया गया। वर्चुअल कार्यक्रम के दौरान उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी ने अधिशासी अधिकारी द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा भी की। नगर पालिका द्वारा 2.5 करोड़ रुपए के सभी 25 वार्डों में विकास कार्य करवाए जा रहे हैं, उनका भी माननीय उप मुख्य सचेतक महोदय के कर कमलों से शिलान्यास कार्यक्रम भी रखा गया था। सलुम्बर थाना क्षेत्र के जंगल में महिला की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। पुलिस के अनुसार प्रथम दृष्टि से यह मामला आत्महत्या का लग रहा है। थानाधिकारी हनवंत सिंह सोडा ने बताया कि मालपुर गांव के जंगल में महिला की मौत की सूचना मिली थी, जिस पर पुलिस टीम ने जंगल में पहुंचकर शव को बाहर निकाला और उसे राजकीय सामान्य चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवा दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी है। खबर ग्राम खलाना से है, जहां पर श्याम पटेल नाम का पत्रकार आमजन को परेशान करता है। ग्रामीणों का कहना है कि पत्रकार किसी भी कार्यक्रम को ठीक तरह से आयोजित नहीं होने देता, साथ ही वह ब्लैकमेल कर लोगों से पैसों की मांग भी करता है। लोगों का कहना है कि वह किसी मामले में एक बार 1.5 लाख रुपए तक की फिरौती देखते हुए पकड़ा गया है। इतना ही नहीं, वह सरकारी अधिकारियों से पैसों की मांग करता है और नहीं देने पर शिकायत करने की धमकी भी देता है। बताएं भैया, आपके साथ क्या घटना हो रही है? ग्राम कलाना का श्याम पटेल है, आए दिन मुझे परेशान करते रहता है। छोटे से छोटे कार्यक्रम करवाते हैं अपन, पुलिस बुलवा लेता है, शिकायत डालता है वो हमारी, बोले कार्यक्रम जो भी करो मुझसे पूछ के करो और मुझे पैसे चाहिए 1.5 लाख रुपये। अब हम गरीब आदमी 1.5 लाख रुपये कहाँ से ला के देंगे? और बोलता है, बोले यदि पैसे दोगे तो मैं तुम्हें अंदर करवाऊँगा। बोले यदि वो पत्रकार है तो उसकी ID प्रूफ मांगी जाए, उसकी जाँच करी जाए। पहले मैं SP साहब को आवेदन दे चुका हूँ, उसकी भी कुछ जांच नहीं हुई है। उसको बुला के उसने जाके ना वहाँ थाने पर जाके बोले ये गलत है। हमने बोला नहीं साहब, इसकी जांच करिए, अगर हम गलत है तो उसकी भी जांच करिए।
खबर बिजोलिया से है, जहां शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत बिजोलिया में विशेष जांच दल ने मिलावट की आशंका होने पर कस्बे के मेसर्स अभिषेक किराना से मिर्च पाउडर व बेकरी बिलोवना का नमूना लेकर जांच के लिए अजमेर भेजा। जांच में मिलावट की आशंका होने पर 9 किलो मिर्च पाउडर जब्त कर उसे सीज किया गया। वहीं खाद्य तेल व वनस्पति तेलों से निर्मित पायस, पारस बिलोवना आदि ब्रांड के पैकेट घी के नाम से बेचे जा रहे थे, जिससे टीम द्वारा 88 लीटर सीज किया गया। इसके अलावा 15 किलो बेसन जो कि एक्सपायरी डेट का पाया गया, उसे तुरंत नष्ट किया गया। इसके साथ ही FSSSA एक्ट के तहत आवश्यक कार्यवाही की गई। कार्यवाही के बाद से कस्बे में किराना दुकानदारों में हड़कंप मच गया। टोंक जिले में देवली में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए गाइडलाइन की पालना को लेकर इंसिडेंट कमांडर भारत भूषण गोयल की मौजूदगी में मैरिज गार्डन व धर्मशाला प्रबंधकों की बैठक हुई। बैठक में इंसिडेंट कमांडर ने मैरिज गार्डन, धर्मशाला प्रभारी व होटल प्रबंधकों से आग्रह किया कि वे किसी भी कार्यक्रम में गाइडलाइन के अनुरूप ग्रामीण क्षेत्र में 100 लोगों को ही अनुमति दे, जबकि नगर पालिका क्षेत्र में 50 से अधिक व्यक्ति पाए जाने पर चालान तथा प्रतिष्ठान एक सप्ताह के लिए सीज कर दिया जाएगा। इस दौरान ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की बैठक में गाइडलाइन के उल्लंघन पर चालान की कार्रवाई करने के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए। बैठक में पुलिस उपाध्यक्ष सुरेश कुमार मेघवाल, देवली तहसीलदार ममता यादव, अधिशासी अधिकारी सुरेश कुमार मीणा सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। पीएम मोदी की सुरक्षा व्यवस्था में चूक के मामले में अजमेर के फव्वारा सर्किल पर भाजपा के ओबीसी मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश भंडाना, भाजपा जिलाध्यक्ष डॉ. प्रियशील हाडा, विधायक श्री वासुदेव देवनानी एवं जिलाध्यक्ष अंकित गुर्जर के नेतृत्व में मानव श्रृंखला बनाकर विरोध दर्ज किया गया। इस अवसर पर भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश भडाना ने बताया कि पंजाब में पीएम की सुरक्षा में यह बड़ी चूक हुई थी। वहां पर प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा को लेकर कई गंभीर खामियां रही, जिसकी वजह से उनके साथ कुछ भी अनहोनी हो सकती थी। बता दें कि इस अवसर पर भाजपा ओबीसी मोर्चा के सोहन शर्मा उपाध्यक्ष, संजय चौहान, विजय साहू, चंद्रपाल सिंह चारण, रामलाल गुर्जर, मंत्री रवि साहू, मंत्री अरुण प्रजापति, विकास सोनी किशन एवं अन्य कार्यगण भी उपस्थित रहे। आज भाजपा ओबीसी मोर्चा पूरे राजस्थान में मानव श्रृंखला बनाकर माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ जो पंजाब सरकार ने चूक की है उसके विरोध में आज मानव श्रृंखला में पंजाब सरकार, कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद के खिलाफ हमने ओबीसी मोर्चा पूरे प्रदेश में, अजमेर जिले में भी हमने विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं सभी कार्यकर्ताओं के साथ। जो प्रधानमंत्री जी के साथ चूक हुई है, कांग्रेस सरकार उनकी हत्या करना चाहती थी, इस विरोध में आज भाजपा ओबीसी मोर्चा ने अजमेर शहर में धरना विरोध प्रदर्शन आधा घंटा। आज ओबीसी मोर्चा द्वारा फवारे पे धरना प्रदर्शन दिया गया है। मोदी जी की सुरक्षा में जो चूक हुई है और जो कांग्रेस की जो साजिश थी मोदी जी को मारने की, उसके विरोध में आज धरना प्रदर्शन हुआ है। और आज पूरे भारतवर्ष में ओबीसी मोर्चा द्वारा जो धरना प्रदर्शन का प्रोग्राम रखा गया है, और ये हमारे अजमेर जिले में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ओम प्रकाश जी भाई साहब, अंकित जी गुजर के नेतृत्व में ओबीसी मोर्चे द्वारा पैमाने पे धरना प्रदर्शन दिया गया है।